सवाल है सागर जी, कैसा जिस उम्र में लोग नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं और अपने एजुकेशन पूरी किए होते हैं, उस उम्र में आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, तो कितनी लाइफ चेंज हुई है इससे, कैसा फील होता है? पूरी लाइफ चेंज हो गई है, कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी चांस मिला है तो उसको पूरा आगे बढ़ना है। आपके विरोधियों का अक्सर कहना होता है कि आपको ये चीज विरासत में मिली है, आपका एक आपने मतलब इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं की है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आप कब से जुड़े थे संघ से या पार्टी से, या कब से आप सोशल लाइफ में थे? देखिए पिताजी 91 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मैं भी उनसे, मगर उनका बेटा हूं तो उनसे मैं भी पार्टी से जुड़ा ही हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर फेर बदल हुआ, दूसरी पार्टी में चले गए और फिर वापस आए, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि हम तो पूछते हैं, लोग कहते हैं कि आपने कौन सा नए थोड़ी ज्वाइन किया पार्टी, आप तो घर वापस आए हैं, तो उसकी कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ मेहनत की बात है, मेहनत कह सकते हैं कि नहीं की, विरासत में मिला है, लेकिन आपके विरोधियों का ये भी कहना है कि आप लोग एक मौका पर राजनीति करते हैं, जैसे आप लोग जब हम कह रहे हैं तो मतलब आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आप एक मौका पर राजनीति कर रहे हैं कि जब आपको मौका मिला तो आप बीएसपी में थे, पिताजी आपके बीएसपी में थे, जब वहां से टिकट नहीं मिला है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, क्या ये सत्य बात है? देखिए ये तो देखिए राजनीति का कोई भरोसा नहीं होता, आज यहाँ है कल वहाँ है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग भले ही पापा बीएसपी में बीएसपी से एमएलए रहे जोड़ गए, लेकिन उनका लिंक जो बीजेपी से था संघ से था वो खत्म नहीं, सिचुएशन ऐसी बनी थी टिकट कट गया, तो उस समय पापा भी यंग थे, मेरे ख्याल से जब वो एमएलए बने थे अपनी एज में तो शायद 27 के थे, वो भी उस टाइम सबसे यंगेस्ट थे उस समय, तो उनको भी इतना नहीं था, उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, हो सकता है ठीक है गलती रही है, वापस आ गए तो बोलते नहीं है, सुबह का बोला शाम को रोक दिया, और जिस वक्त इलेक्शन चल रहा था ये भी विधानसभा के लिए, उस समय आपके पिताजी एक पोलिंग बूथ पे गए थे जहाँ पे कहा जाता है कि आपके जो अपोजिट पार्टी के थे उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया था, ये बात कितनी सत्य है? ये एक हमारी विधानसभा में कालू बुर्गा हुआ है, तो पूरा सपा का गढ़ रहा है, मेरी पूरी विधानसभा ही सपा का गढ़ रही है, क्योंकि वहाँ के जो जातिगत आंकड़े हैं बीजेपी से मेल नहीं खाते, यहाँ पर 90,000 तो मुस्लिम है, 70,000 यादव है और 50,000 एससी कास्ट के लोग हैं जो कि बीएसपी को जाते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल सीट नहीं है ये, तो उसी हिसाब से वहाँ पर कालूपुर गांव टोटल यादव गांव था, हम लोग वापस आ रहे थे 5 बजे के बाद, क्या ये वोटिंग बंद हो गया तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो फोन आता है कि वहाँ पर अभी भी वोट पड़ रहे हैं 5 बजे के बाद, 6 बजे के करीब की बात है, 6 बजे मैं तो दूर था तो पापा थे उस टाइम, तो पापा कार्यालय से पहुँच गए तो वहाँ पर देख रहे हैं कि सब लोग पुलिस वुलिस भी था, लेकिन वहाँ पर लगातार वोट डाल रहे थे फर्जी वोट, और उन लोगों की पूरी प्लानिंग थी वहाँ पे, 2-4 गांव के आसपास के जो लोग थे वो सब वहाँ पर इकट्ठे थे उसी गांव, खैर जब वहाँ पर उनको रोका गया तो उन लोगों ने फिर बदतमीजी करनी शुरू कर दी, बदतमीजी एज इन की जो साथ में आए थे वो गाड़ी वाड़ी पत्थर फत्थर फेंकने लगे और तोड़ताड़ करने लगे, उन लोगों को दौड़ाने लगे मतलब भागने लगे, अब माहौल खराब देखते हुए यहाँ पे पुलिस की भूमिका अच्छी रही, उन लोगों ने ऐसा मौका देखते हुए क्योंकि पापा पूर्व विधायक थे तो उनको कमरे में बंद कर दिया सेफ्टी रीजन, तो जिस रूम में पोलिंग हो रहा था जिसमें वोट पड़ रहा था वो रूम बंद कर दिया, तो फिर वहाँ पर सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, उसके बाद मैं जब मुझको ये चीज़ पता लगी तो हम लोग भी कई लोग पहुँच गए वहाँ पर, लेकिन उसके बाद देखते हैं सामने से जो
सिटिंग एमएलए था सपा का, वो वहाँ पहुँचा था और लोगों के साथ, चार पांच गाड़ियों से, बाकायदा पुलिस की गाड़ी भी उसके संग थी दो तीन, वहाँ पहुँचा। लेकिन वहाँ और ज़्यादा माहौल उसने खराब कर दिया। फिर मैंने उस समय सबको फ़ोन किया, एसएसपी, एसपी, डीएम और जो भी वहाँ पे इंचार्ज थे सबको फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, बंद था या जो भी था। फिर मैंने आईजी को फ़ोन किया, आईजी रेडी, तो उन्होंने फिर फोर्स भेजा, तो जाके सिचुएशन बदल गया। तो जाके फिर एक पुलिस की गाड़ी में वहाँ पे जो लोग थे जो कि वो लोग पढ़वा रहे थे, उनकी भी ड्यूटी था वहाँ पर, वो सब और पिताजी, फिर पुलिस भी वैन में उनको सेफ्टी वापस लाया गया। लेकिन अगर कुछ मेरे पिताजी के साथ हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ काफ़ी अच्छा हुआ, कुछ हुआ था, कोई ऐसी वो नहीं है। और हम लोग उसका फायदा ही मिला एक तरह से, ज़्यादा नहीं तो कोई उस चीज़ का वो नहीं है, कोई ग्रज नहीं है कि उन लोगों ने वो किया, तो उन लोगों को तो काम ही देखिए, और जिसके वो उन लोगों की तरह हम भी हो जाएंगे तो उनमें हमें फर्क कोई नहीं है। अभी जैसे कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है तिब्बत तलाक पे, आपका क्या कहना है? बढ़िया फैसला, बहुत बढ़िया फैसला है, और ये होना चाहिए था, किसी को ऐसा राइट नहीं है किसी की लाइफ बर्बाद करने का, बहुत बढ़िया फैसला। आप इसके सपोर्ट करते हैं? अभी गोरखपुर में एक ट्रेजेडी हुई थी जहाँ अस्पताल में ऑलमोस्ट 70 बच्चे खत्म हो गए थे, उसके लिए प्रशासन ये गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है या कुछ प्लान बनाई है कि आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ना हो? वैसे भी आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री डिजिटल के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म ला रही है जहाँ से हर चीज़ की सुविधा हो सके? देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी अपने सभी कामों में बहुत सक्षम हैं, जो भी वो फैसला लेंगे, जो भी इसमें कार्रवाई करेंगे, सब पक्ष में ही होगा, जो उनका हादसा ही हुआ है, तो इसमें कोई हम लोगों को बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है जो भी फैसला। और जो अभी गोरखपुर में जैसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसके आसपास के जिलों में काफ़ी त्रासदी चल रही है बाढ़ की वजह से, बताई हूँ अभी दो चार गाँव में उसमें आए हैं बाढ़ लोग, तो उसके लिए सरकार अलग से कुछ पैकेज निकाल रही है लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो अति संवेदनशील जिले हैं, जगह हैं जहाँ जहाँ बाढ़ से नुकसान हो सकता है वहाँ घूम रहे हैं, और हमारे सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह जी जिन हमारे यहाँ बैठे बता रहे थे, वो भी लगातार वो भी बाढ़ के सिलसिले में ही बताइए आए थे देखने के लिए, जो बाढ़ से प्रभावित गाँव वगैरह हैं, ये लोग लगातार लगे हुए हैं, जहाँ भी दिक्कत आएगी उससे मतलब नुकसान होने से पहले ही उसको ना सही कर देगा। अगला क्या आपके लिए? आप विधायक हैं, बहुत कम उम्र के विधायक हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सिर्फ यूपी के नहीं आप पूरे भारत में सबसे कम उम्र के विधायक हैं, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। अगला क्या आप अपने 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 आप को अगले 5 साल में क्या एक मंत्री के रूप में देखते हैं? नहीं, मैं इतना आगे की नहीं सोचता, मैं अभी जो हूँ मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर लोगों को पसंद आएगा तो आगे भी मौका देंगे। आप बढ़िया, आपके 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 आपका जो विधानसभा क्षेत्र है बिसौली, वहाँ पे इसके पहले सपा के ही विधायक थे पिछले 24 साल से सपा के विधायक थे, सो 25 साल कुछ तो ऐसा चीज होगा जिसे देख के उन्होंने सपा के जगह आपको वोट किया है, कुछ तो कमियां होंगी जिसे आप कैसे पूरा करना चाहेंगे? कमियां तो होंगी, देखिए अब चेंज तो होना जरूरी है, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता कि मैं लोगों को ऐसा लगने लगेगी तो बहुत दिन हो गए उसको हटा, ऐसा कुछ नहीं, चेंज तो होना चाहिए, लेकिन अब देखिए जो पुराने MLA रहे हैं उन लोगों ने कुछ भी किया, जो गलतियाँ उन लोगों की, वो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं रिपीट ना करूँ, लोगों से लगातार टच में रहेंगे, जब लोग अच्छे डायरेक्ट जुड़ गए तो उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी आगे चुनाव लड़ने में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अक्सर देखा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अक्सर देखा जाता है
कि हमारे भारतीय राजनीति में राजनेता लोग काफी लंबी उम्र तक राजनीति करते हैं, 70, 75, 80 तक चले जाते हैं और अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। आपका क्या विचार है इस मामले में? अगर आप देखेंगे कनाडा या कोई और कंट्री देखें तो जहाँ पे राजनेता बड़ी कम उम्र के होते हैं, प्रधानमंत्री 40-44 साल के हो जाते हैं। सो आपका क्या विचार है, क्या एक उम्र के बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए? देखिए, इस लाइन में अगर मैं नहीं होता और तमाम मुझसे एक क्वेश्चन पूछते तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं खुद इस लाइन में हूँ और आगे तक जाना है इतनी ज्यादा लंबी राजनीति करने का। नहीं, फिर भी एज ए युवा, एज ए नागरिक, चीजें होती हैं, क्योंकि जब तक आपके सीनियर जो रिटायरमेंट नहीं लेते तब तो दूसरे लोग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता उतना। सो कितना आप इस चीज से सहमत करते हैं कि रिटायरमेंट का एक एज डिसाइड होना चाहिए? जब तक ठीक काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी को क्या दिक्कत है। अगर एक एज भी आप सेट कर देंगे तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी अगर वो ठीक काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी आपके विधायक बन के भी 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक आपने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, विकास के क्षेत्र में क्या काम किया? विकास तो भी कह सकते हैं कि सरकार के पास इस समय बजट नहीं है, तो विकास तो हो रहे हैं, जो जैसे मैं बताया आपको, विकास एज इन दिखने वाला विकास कुछ नहीं किया है, अभी तक नहीं हुआ है, और अभी 6 महीने हैं, बहुत टाइम है। मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैंने पूरे जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है सब चीज़ का लिस्ट बना लिया है, जो जो मैं कराने वाला हूँ काम या कर सकता हूँ वो सब चीज़ में देख के लोगों से लगातार मिलता रहता है, और गांव-गांव मतलब जीतने के बाद भी मैं गया हूँ, और जहाँ भी उनको जो भी दिक्कत आती है वो लोग मुझसे शेयर करते हैं, और जो मैं कर सकता हूँ वो आगे आने वाले टाइम में करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? पर्सनल एक्सपीरियंस कह लो या कुछ भी कह लो, देखिए तब तो मैं नहीं कहूँगा कि राजनीति में आए, लेकिन अगर अपने देश के लिए कुछ करना है तो ये लाइन बहुत अच्छी है। तो आपका कहना है कि अगर देश के लिए आप करना चाहते तो आना चाहिए। सॉरी, राजनीति धर्म की, राजनीति जात की, या राजनीति विकास की? विकास की पीछे, जात धर्म की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है लोगों को जात धर्म के हिसाब से बांट दिया है कि मुस्लिम है तो सपा का है, बसपा का है, कि एससी है तो ये बसपा का है, और श्रवण क्लास का है तो फिर आपका बीजेपी का है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको हर किसी को सपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं। हमारे विधानसभा में हमने मुस्लिम लोगों ने भी सपोर्ट किया, बीजेपी को वोट किया, मेरे साथ बीजेपी ज्वाइन करी है कई मुस्लिम लोगों ने, तो ऐसा नहीं है। युवाओं में शिकायत कहीं आपको लगता है कि जो 3 तलाक का मुद्दा था उसका फायदा मिला बीजेपी को इलेक्शन में? इस अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो इस एक तरह से जो प्रॉमिस किया गया था वो बीजेपी ने ऑलमोस्ट फुलफिल किया है, तो अब इस चीज को वो फायदा उठाना चाहेंगे और आगे फायदा मिलेगा आपको? कोई ऐसी बात जो आपके विधानसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं या आपके जो प्रशंसक हैं वो नहीं जानते हो? मेरे बारे में? हाँ, कोई ऐसी बात। बहुत सी बातें नहीं जानते, कोई ऐसी बात आप जो शेयर कर सके, शेयर करना चाहें या शेयर कर सके? ऐसे कुछ नहीं, जैसे हम लोगों की जो मेरी एज है उस एज ग्रुप के लोग जैसे भी मतलब जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं मैं जीता हूँ, चुपके चुपके पार्टीज भी करता हूँ, ऐसी कोई खास बात। और युवाओं के लिए कोई कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो है अभी है, मैं तो अपनी स्टडीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मन नहीं लगता, और बिजनेस का इरादा था लेकिन पॉलिटिक्स में आया, तो मैं चाहता हूँ कि जिस भी लाइन में वो लोग रहें तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये नहीं कि एक ही जगह अटक गए और वहीं पर ही लाइफ को चला रहे, मतलब अपना तो अपने हिसाब से कुछ जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे, तो उस चीज़ को करना। तो आप कहने का मतलब युवाओं को कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने आप को भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए?
आपने अभी जैसे बोला कि एक महत्वपूर्ण चीज बोली कि आपका स्टडीज पे इतना ध्यान नहीं था, आपका मन नहीं था, तो आपने नहीं किया आपने, पर स्टडी कितना डिफरेंस पैदा करती है आपको लगता है? आपके स्टडीज तो होनी चाहिए जितना ज़्यादा, देखिए एजुकेशन आजकल टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आपको चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी अक्सर अक्सर बोला जाता है कि यूपी में अगर सबसे फर्स्ट कोई डिपार्टमेंट है तो शिक्षा डिपार्टमेंट है। कहा जाता है कि वहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक बिना पैसे का कोई भी चीज नहीं होता। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसे लीगली 6 महीने का छुट्टी मिलती है, जो लीव मिलती है, उसके लिए पैसे खिलाने पड़ते हैं। तो इस कदम इसको खत्म करने के लिए आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं या आपके ही विधानसभा क्षेत्र में आप इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? देखिए जहाँ भी ऐसी कोई दिक्कत आती है अगर, तो अगर मेरे मेरे संज्ञान में वो चीज़ आती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको, मतलब मैं तो जैसे कोई भी अगर मुझे लेन देन वाली बात पता लगती है तो मैं अपनी विधानसभा में तो किसी चीज़ नहीं होने देता और ना ही मैं बर्दाश्त करूँ कि हर, देखिए हर डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, इसमें हर डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत तो चलता है हर जगह, और इस चीज़ को ही बदलना हम लोगों को जरूरी है। और सरकार जो हमारी है, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी, हम लोग उन लोगों तक इतनी बात नहीं पहुंचती है, लेकिन जो पहुंचती है उसमें वो मस्जिद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मंदिर बीजेपी के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम किया है। 88 में दो सांसद से आज सरकार है उनकी सेंटर में, आज यूपी में उनकी सरकार है, बल्कि देश के 18 राज्यों में सरकार है। आपको क्या लगता है कि मंदिर बनना कितना नजदीक है? संघ का एक जो विचार रही है वो मंदिर बनने के कितने नजदीक पहुंच गया है? देखिए मंदिर मस्जिद की बात मैं नहीं बोलूंगा, और जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चला जाए, बीजेपी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखते हुए जो भी कोर्ट का फैसला है उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं